हाय एवरीवन, आज हमारा कश्मीर में दूसरा दिन है तो आज भी हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। पूरी वीडियो आपने देखनी है, स्किप नहीं। ले भाई नाश्ता हमारा आ चुका है, नाश्ता हमने कर लिया है, गाड़ी हमारी रेडी है जाने के लिए। ले भाई नज़ारा चेक करें आप लोग, क्या व्यू आ रहा है। और बेगम साहिबा का अभी तक मेकअप ही खत्म नहीं हुआ। नहीं मेरा कितना टाइम रहता है और हो गया। चलो निकलते हैं, रूम का हमने बेहाल किया हुआ है, वैसे जैसे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। रात को वापस आएंगे फिर इसको सेट करेंगे। वो देखें जी, इंजीनियरिंग कंपल भी माशाल्लाह तैयार होके आ चुके हैं, देखें प्यारे लग रहे हैं। आपने कश्मीरी ड्रेसिंग नहीं की? ये कश्मीरी नहीं है, पिशावरी है। कश्मीर में भी पहनते हैं। हाँ ले भाई, अक्सर होते हैं गिलगिटी या इस तरह के, वो उधर लगा लेते हैं। तो इन्होंने मैचिंग कर ली और हम ऐसे ही बस निकले हैं बिना किसी मैचिंग के। लेकिन वहाँ पे सर्दी काफी होगी, ग्लव्स वगैरह भी अपने रख लें। यहाँ से हमने अब जाना रत्ती गली लेक, तो यहाँ से 18 किलोमीटर। अब वो 18 किलोमीटर कितने खतरनाक होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हमें नूरी टॉप भी जाना है। इस ट्रैक पे हम जाएंगे, जीप के जरिए जाएंगे। निम्रा आर यू एक्साइटेड? और मुझे सर्दी लग रही है, मुझे लगता है ऊपर जाके और ज्यादा सर्दी होना। अच्छा जीप हमारी डन हो गई है, इस जीप पे हमें जाना है। ले भाई हम निकलने लगे हैं अब यहाँ से रत्ती गली लेक के लिए। मैं गाड़ी वापस करके आता हूँ। इसमें चल चुप करके उसे दबा दे रही तो नहीं कॉर्नर बना रहा था ना, कितना सा लग रहा है। खान साहब इस स्कूल का क्या नाम है? द्वारिया। तो द्वारिया से हम जा रहे हैं रत्ती गली लेक। रत्ती गली अभी गाड़ी आगे से वापस आ गया। अच्छा आगे से वापस आएगी, ट्रैक तो पीछे है। ट्रैक वो सामने। कितना टाइम लगते रहता होगा ट्रैक पे? लगेगा तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। नहीं भाई 2 से 2.5 घंटे हमें ट्रैक पे ऊपर जाते लगेंगे रत्ती गली लेक के लिए। वाओ व्हाट अ व्यू, अब मेरा दिल कर रहा है मैं ऊपर जाके बैठूं। अभी हम पूछते हैं हमारे गाइडर से, भाई साहब अली भाई ऊपर बैठ जाऊं? अब आप ऊपर नहीं बैठ सकते, मैंने सीधा ऊपर चले जाए। बड़ा हरामी हो बेटा, मैं जाना चाहता हूँ सीधा ऊपर। अल्लाह से जब भी मांगो, खैर मांगो, फजल मांगो उसके लिए। खान साहब जब आगे जाएंगे ना रास्ता थोड़ा सा, नहीं पता होता कबूलियत का वक्त हो, ऐसी बात नहीं करते सफर में या इस तरह वहाँ सफर पर। खान साहब जहाँ से रास्ता थोड़ा ठीक आ गया मुझे ऊपर चढ़ा दीजिए 10 मिनट तक। जरूर जरूर इंशाल्लाह, ये बहुत खतरनाक है। ले भाई हम बैठ चुके हैं जीप के ऊपर, अब आपको मैं बताऊंगा ये ट्रैक किस तरह का है और कितना मजा आता है। मैंने बड़ी मजबूती से यहाँ से हाथ पकड़ लिया है और ऐसे ही बैठ के हम जाएंगे ऊपर। यार जो मजा यहाँ पे ऐसे बैठने का है ना, बड़ा मुश्किल भी होता है कि आपने जोर से पकड़ना होता है। निम्रा नीचे से मुझे मार रही है, बुला रही है नीचे आए, लेकिन अभी नहीं मैंने जाना, कुछ देर वीडियोज बना के फिर नीचे जाऊंगा। ट्रैक चेक करें, ओ भाई चढ़ी है यार, देखें यार बहुत मुश्किल है, मैं बहुत मुश्किल से बैठा हूँ, लेकिन आप लोगों को व्यू एंजॉय करवा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो पे लाइक्स करना तो बनता है ना। ये पहली कश्मीरी नजर आई है यहाँ पे, यहाँ पे कश्मीर के लोग बहुत कम नजर आए थे, लेकिन अब हमने देख लिया। मैं आ रहा हूँ नीचे, ब्रेक लगाओ अंकल जी, ब्रेक लगाए। निम्रा ब्रेक लगवाओ। यार मैं अंकल को आवाज दे रहा हूँ कि ब्रेक लगाएं, लेकिन वो लगा नहीं रहे। आए मैं डर गया, मुझे अब सच में डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा। यार यहाँ पे हमने 5 मिनट का स्टे लिया है क्योंकि ट्रैक बहुत खतरनाक था,
और निम्रा मुझसे हो गया नाराज। मैंने कहा था कि मैंने ऊपर छत पर बैठना, मैं बैठ गया था लेकिन शहजादी को गुस्सा आ गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं मैं करूँगा, पक्की सॉरी कह रहा हूँ। प्लीज़ 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 अब नहीं बैठूँगा ऊपर, मैं कह रहा हूँ मैं नीचे बैठूँगा। तो ट्रैक इतना मज़े का था, ये तो इन्जॉयमेंट होती है। देखें यार ये कितना खतरनाक है, जहाँ से थोड़ा सा पाँव आगे करते हैं लो भाई आप गए। छलांग मारनी है निम्रा, मार दो, खत्म, बाय बाय टाटा। पता जो जहाँ से गिरता है ना उसको सीधा ऊपर की टिकट मिलती है। तुमने क्यों छलांग मारनी है, तुमने क्यों मारनी है? दूसरी शादी कर लेंगे। दूसरी शादी में पागल हूँ मैं, रूह बन के आत्मा बन के आपकी दूसरी बीवी को और आपको। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा ट्रैक जिससे हम लोग जा रहे हैं इतना डेंजरस है, अल्लाह ताला याद आ जाते हैं सारों को। वो तो रहते ही हैं लेकिन तोबा तोबा इतने ज्यादा पत्थर है यहाँ। निम्रा फाइनली देखो बर्फ भी नजर आना शुरू हो गई है, थोड़ा सा ट्रैक रह गया और मजा आ रहा है। नहीं दोबारा आना फिर यहाँ पे? नहीं क्यों नहीं, आपके लिए तौबा, मैं कभी भी ना आऊंगा यहाँ पे। रहमान भाई मजा आ रहा है आप लोगों को? अभी तक तो नहीं आया, आगे आगे शायद आए। आगे आए, आगे शायद आए, कह रहे हैं कि पैसे। इंटरनल कंडीशन कैसी है? इंटरनल कंडीशन के है, दिल मेरा ना इधर इधर हो गया थोड़ा और यहाँ पे फेंक दिया। शूज गंदे हो गए हैं अभी तो, ऊपर जाके और गंदे होंगे, लग समझ आएगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद तक, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ से आगे हमने जाने रतिगढ़ी लेक, ये ट्रैक आएगा भाई। इसी को देख कर लगता है कि हम पहुंच गए हैं, व्हाट अ सीन। हमारी शक्लों से दादा खुद लगा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ऑक्सीजन यहाँ पे लो लेवल पे है और हम पाँव रख रहे हैं नीचे, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर हमें जाने के लिए स्टिक्स चाहिए, तो लें भाई हम अपने डंडे सूटों का इंतजाम यहाँ से करके जाते हैं। भाई साहब के पास कहाँ पे है और मैं यहीं पे अभी स्लिप हो रहा हूँ। सौ रुपये की है, फिर आपको आके वापस करनी है? नहीं भाई 100 रुपये की एक है, एक दो तीन चार, चार लेनी है। कितने की देंगे फिर? चार से ही। नहीं यार छः लेनी है, फिर कितने की दोगे? रेट वो एक ही है। छः लेंगे फिर भाई जान, देख लो। हाँ 6500 की नहीं है ना, किसी की 6500 की डन करें, ठीक है दे दे आप। एक डंडे सोटे हमने ले लिए हैं तो अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर। अली भाई किधर है? अली भाई से ये एक्सचेंज कर लेता हूँ। ये अली भाई जितनी स्टिक है वो कंफर्टेबल रहेंगे इसमें। सफर हमारा आप यहाँ से शुरू हुआ है जो स्टिक के साथ सबसे मुश्किल ट्रैक है। नहीं भाई चलते आओ, आप बिल्कुल ही स्लो हो गए हो। पानी वाला अब प्यास लग रही है अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूखा जा रहा है। ये बर्फ के गोले बना के खाएं, खुद पानी बन जाएंगे जाके। तो इसी तरह होता है, कभी ला के पीते हैं जब कोई कैंपिंग वगैरह पे आते हैं। ले भाई निम्रा ने ये लिख दिया है, ए एन लिख दिया है, ये प्यार मोहब्बत ना ऊपर जाके करेंगे। आ जाओ यहाँ पे अभी बहुत पड़ा है। निम्रा थोड़ा स्पीड में चलो, देखो मैं भाग रहा हूँ। नहीं भाई निम्रा की स्पीडें ज़्यादा हो गई हैं,
जैसे जैसे ट्रैक नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हमारी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो रही है। और ये देखें ये कपल टिंटन किए कर रहा है, ये भाई साहब गिरने लगे हैं। ओ गए देखें इन्होंने अपनी टुई बनवा ली है लेकिन फिर भी आ रहे हैं। शदादी साहिबा बताएं मजा आ रहा है ना यार। मैंने बेगम साहब को कहा कि मैंने आपसे एडवेंचर करवाने ही करवाने, हालांकि इनका दिल नहीं कर रहा, थक गई हैं, इतनी एनर्जी भी नहीं है भाई, फिर भी हम जाएंगे। मैंने कहा था रात को बोटियां खा लो, जितनी ज्यादा बोटियां खाओगे उतना हमसे सफर ज्यादा अच्छे से होगा। आई डोंट लाइक बोटीज। व्हाई यू डोंट लाइक बोटीज? पता नहीं, रात को तुमने पट पाड़े होते तो अब देखना कितने स्पीड से जाना था। यार मैंने पट पाड़े, मजा आ रहा है। अभी हमने वो ऊपर तक जाना है और शहजादी साहब थक के बैठ चुकी है। निम्रा चलो प्लीज चले। वो सामने झील नजर आ रही है, वाओ व्हाट अ सीनरी ब्रो। हाउ मच प्राइस फॉर टॉप? $500 टू घोड़े इन 500 टू इन 500 नॉट 3000 No. Two thousand in 500. दोनों 500 में. If you agree on 2000, we will go with you. ये दोनों खोते 500 में? खोते नहीं भाई. चल झूठ। बस हो गई है तो हमने अब घोड़े पे निम्रा को बैठवा दिया है और मैं पीछे वॉक करता आ रहा हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ जी। वो झील भी इतनी प्यारी है, अब हमने सिर्फ वहाँ पे जाना है वो टॉप पे। तो शहजादी साहब पहले पहुंच रहे हैं, पीछे आते हैं। मैं भी आ जाऊं इमरान घोड़े पे। एक भाई मुझे भाई ऊपर जाना है। एक मिनट ले भाई। शहजादी साहब बैठ गए, हम भी पीछे बैठ गए हैं। ना हम गए नहीं। ना भाई आ जाओ भाई। अब भाई अब भाई चल पड़े। ओ यार चल पड़े पीछे आओ। ओ यार ये तो और खतरनाक है। ओ भाई बहुत खतरनाक है। ले भाई रेमान भाई ये और खतरनाक है। ओह माय गॉड यार ये माहौल चेक करें। वाओ व्हाट अ ब्यूटी। रेमान भाई वोटकल वाला साउंड देना थोड़ा सा, कॉपीराइट फ्री। चले फिर पहुंचे आप लोग भी। निम्रा आधे ला दो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रत्ती गली। यार थोड़ा आगे ले जाओ ये डंडा भाई, थोड़ा आगे ले जाओ ना। नहीं भाई बस वो आगे नहीं लेके जाना। हाँ पैसे निकाल के दो ही ने। 500 कितने लोग थे? हम 3 लोग थे ना। 1500 दे दो। चले अब यहाँ से आगे चल। वाओ व्हाट अ सीनरी। निम्रा मजा आ रहा है ना यहाँ पे? इसे कहते हैं जन्नत का टुकड़ा। एवं नहीं कहते नीलम को जन्नत का टुकड़ा कहा रहता है, यही जो सीन है यार। ये लेक वाकई चारों तरफ बर्फ के पहाड़ है और ये देखें है स्टैमिना आगे जाने का। थोड़ी स्पीड लगा रहे हैं उसको। ना जी और ये लिखा हुआ है, ये मैंने बनाया। निम्रा कैसा लगा है? हाउ वाज योर सरप्राइज? अच्छा लगा है। ले भाई अब हमारा होना है यहाँ पे फोटोशूट। निम्रा इधर देखें, ये सीन है भाई यहाँ के, ये नज़ारे हैं और क्या कमाल के नज़ारे हैं। वाओ व्हाट अ सीनरी। भाई ये किसके अंडे हैं? मुर्गी के सर। कबूतर के तो नहीं है? नहीं सर, कबूतर के होते तो छोटे छोटे होते। छोटे छोटे होते हैं सर। ले भाई अंडे आ गए हमारे, ये दें के। कोई मसला साहब हुआ ना, मियां मोहम्मद अकबर रहमान है मेरा नाम, तो मुझे एक आकर पूछ सकते हैं। इसे फिर छील के देना हमें, हम तो वो छील लेते हैं भाई।
नहीं मैं छील के दो ना एक एक सबको, ये लो भाई भाई। ठीक है अल्लाह हाफिज। नहीं भाई रत्ती गली हमने बहुत इंजॉय की है, अब यहाँ से हम जाएंगे वापस। यार बिल्कुल मोबाइल पकड़ने में ताकत नहीं है, बोलने की भी ताकत नहीं है, जुबान भी साथ नहीं दे रही, हाथ भी नहीं दे रहे, थक गए हैं और हमने बहुत फन किया है। तो आपको फिर मिलते हैं रात को, हमने बोनफायर करना। अब हम सब लोग जा रहे हैं, ये जो कश्मीरी कपल हमारे साथ आए हैं अपनी पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग हो गई है डन जी। आपको आपको रतिकली लेक कैसी लगी है? खूबसूरत है, आपके बाबूजीदार ने बनवाई थी ना? कश्मीरी बोल रही थी आपने, अंदर की पंजाबी बाहर आ गई। ये हमारा लेक है, ये इनका लेक है। तो हम इन्होंने हमें परमिशन दी है, अभी अपने हेलीकॉप्टर में वापस लेके जाएंगे। हम इनको अपना हेलीकॉप्टर में लेके जाएगा जी जी। मैं अपनी बेगम के साथ एग्री करता हूँ, आप सब भी अपनी बेगम के साथ एग्री किया कर। ए रहा नहीं जाता, नीचे उतर दो। वे सबसे जो खतरनाक ट्रैक है वो ये वाला, ये ट्रैक जहाँ से सबसे खतरनाक है। इस झील का नाम क्या है? ये छोटी रत्ती गली है। ये जी छोटी रत्ती गली है। और ये वो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं जी जी, वो हम सबके पीछे तीन लेक हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो विजिट करेंगे, वो पहाड़ के पीछे हैं। फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं और वो सामने हमारी जीप खड़ी है, वो देखें रहमान भाई उस साइड पे है वो सामने। वो पीक से नीचे आए हैं। ओ माय गॉड, देखें गरम गरम पाटा आ गए हैं हमारे सामने। बारबेक्यू पार्टी है हमारे साथ।